5 दिसंबर 2020, 5 दिसंबर 2020 एंड इट्स 7:04 PM, 7:04 हो गई है, और शनिवार का दिन आज सैटरडे 5 दिसंबर 2020 सैटरडे। तो आज का टॉपिक एक बार देख लीजिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, निफ्टी मूवमेंट डिटेल डिस्कशन ऑन चार्ट्स एंड अदर फैक्टर्स। लगभग सारे फैक्टर्स मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ अलोंग विथ डिटेल डिस्कशन ऑन चार्ट्स। तो ये आज का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेट अस डिस्कस गाइस, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। तो आज थोड़ा सा आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी। आपके पास जब समय हो तभी देखेगा, बहुत मेहनत किया हूँ उस वीडियो को तैयार करने के लिए, क्योंकि अभी मैं काफ़ी कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ा मुझे, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और लाइफ में पहली बार है कि मैं इतनी मेहनत करके एक वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं एकदम ईजिली जस्ट 3:30 बजे आप देखते हो मैं वीडियो ही बना देता हूँ कल के लिए, है ना। तो चलिए, डिस्क्लेमर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्लेमर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहता है बिलो द टाइटल, इसको पढ़ना अनिवार्य रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ पे आप कुछ देखें, ये पॉइंट्स पढ़िए आप, मैंने आपके लिए थोड़ा जूम भी कर दिया। फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ के सुनाता हूँ, निफ्टी प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाज ऑन जनवरी 20, 2020 एट 12,430। सबको याद होगा 20 जनवरी 2020 को हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई 12,430 का था, एंड ऑन 24 मार्च 2020 यानी कि 24 मार्च 2020 को इट मेड ए लो ऑफ 7,511, दैट मीन्स ए फॉल ऑफ 4,919 पॉइंट्स फ्रॉम हाइज ऑफ 12,430, एंड इन परसेंटेज टर्म्स इट्स 39.57% अप्रोक्स। यानी कि 12,430 से जो फॉल आई थी, जो कि 12,430 हमारा 20 जनवरी का हाई था, 20 जनवरी 2020 का ऑल टाइम हाई था, वहाँ से हमारे को एक फॉल आई जो कि 24 मार्च को हमने एक बॉटम बनाया 7,511 का, और वो फॉल थी 4,919 पॉइंट्स की। फ्रॉम द हाइज ऑफ 12,430 इट फॉलन टू 7,511, और वो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप काउंट करो तो वो 39.57% फॉल थी। 39.57% फॉल कोई कमज़ोर फॉल नहीं होती, उसको रिसेशन बोलते हैं या फिर क्रैश भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रैश वाली फॉल थी। नाउ ऑन 4 दिसंबर, लेकिन उसके बाद जब हमने उभरना चालू किया, फ्रॉम 24th के बाद से हम जब ऊपर बढ़ना स्टार्ट किए 24th मार्च के बाद, तो आज आपके सामने 24th दिसंबर अभी तक नहीं आया, यानी कि 9 महीने कंप्लीट नहीं हुए, लेस देन नाइन मंथ्स या फिर आप बोल सकते हो 8 मंथ्स 10 डेज में, 8 महीने 10 दिन में हमने अभी हम 13,280 के शिखर तक पहुंच चुके हैं। वी नाउ ऑन 4 दिसंबर 2020 इट मेड ए न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 13,280, एंड इफ वी काउंट दिस हाई फ्रॉम बॉटम्स ऑफ मार्च 2020 ऑफ 7,511, देन इट हैज़ रोज 5,769 पॉइंट्स। इसने कितनी बढ़त की, लो से 5,769 पॉइंट, 5,769 पॉइंट्स इसने बढ़त हासिल की फ्रॉम द लोज ऑफ मार्च विच वॉज 7,511 पॉइंट्स सो फार। एंड इन परसेंटेज टर्म्स आप देखो ये 76.81% की राइज है, विच इज़ वेरी ह्यूज। सिर्फ इसको मैं ह्यूज नहीं बोलूँगा, इसको वेरी ह्यूज बोलूँगा, क्योंकि 76.81% आप इंडेक्स में राइज करते हो, दैट टू इन ए पीरियड विच इज़ लेस देन 9 मंथ्स, 9 महीने से भी कम पीरियड में निफ्टी ने 76.81% का राइज किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी राइज माना जाता है।
बहुत जबरदस्त राइस। अगर आप 2008 की फॉल के बाद वाली राइस को कंपेयर करो तो उससे ये कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उस समय निफ्टी था 2252 पे, वहाँ से वो डबल किया उसने 7 महीने से कम में। लेकिन इस समय निफ्टी कहाँ था, 7511 पे लो था, तो यहाँ से डबल तो बहुत दूर की बात है। 70% बढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, ये तो 76.81% बढ़ा है दोस्तों, 76.81% अभी तक, कल के दिन तक, कल 4 तारीख तक। और इसी का चार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं निफ्टी का, ये आपके सामने है। ये जो फॉल हुई थी 12430 से लेके, ये 12430 है और ये 7511 वाला दिन है, 75111 रहा ये कैंडल है। और उसके बाद ये 24 मार्च की कैंडल है, उसके बाद निफ्टी ने आप देख सकते हो दिस वे ये बढ़ते गया, और आप देख सकते हो एक इसकी राइस का पैटर्न आप देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ। उसका कलर मैं चेंज कर देता इस तरह से। ये आज यहाँ कंटिन्यू राइज करते जा रहे हैं और हम यहाँ पहुँच गए, बहुत ज़बरदस्त राइज इसको आप बोल सकते हो। तो ये आपके सामने है, हम लोग कल 12280 का राइज हाई बना चुके हैं, 13280 का, सॉरी 13280 का कल का हाई बन चुका है निफ्टी में, जो कि बहुत बड़ी तेजी है। मंदी हालांकि बहुत फास्ट आई थी 20 जनवरी से लेके 24 मार्च तक, निफ्टी ने बड़ी गिरावट, 4919 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन यहाँ से जो बढ़त जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, 5700 पॉइंट कितना था जो भी है वो बढ़त हासिल की इसने। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाउ इफ आई एज्यूम निफ्टी विल राइज डबल ऑफ द परसेंटेज इट फॉलन, मैं अगर एज्यूम करूँ कि निफ्टी जितना घटा था, घटा कितना था 39.57%, जो मार्च में हमने बॉटम बनाया था अपने टॉप से, जनवरी के टॉप से, तो वो 39.57% घटा था। और मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ कि ये डबल राइज होगा जितना ये घटा था, तो इसको 79.14% राइज अप्रोक्स होना चाहिए, और अभी तक आपके सामने 76.81% राइज हो चुका है। अगर मैं मान के चलता हूँ ये डबल राइज होगा, तो ये फिगर आपके सामने आएगा, जो ऑल टाइम हाई का नया फिगर आएगा वो आना चाहिए 13455 एज प्रोबेबल टॉप, ऐसा मेरा मानना है, जो कि हमको नेक्स्ट वीक में हासिल हो जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। कुछ ऐसे ही चार्ट बयां कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, तो हम लोग एक बार इसको मान लेते हैं प्रोबेबल हाई। ऑलरेडी हमारे सामने एक फिगर तो आ ही चुका है 13280 का हाई, जो कि 4 तारीख को कल यस्टरडे आ चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी रैली ख़त्म नहीं हुई है, रैली और कंटिन्यू करके शायद ये 13455 से लेके 13500 तक का टॉप बना सकता है, और जो कि अगर ये 13455 पे रुकता है तो एग्जैक्टली डबल हो जाएगा जितना इसने फॉल किया टॉप से लेके 7511 तक। टॉप था उस समय का 12430, तो ये 13455 आना चाहिए। नाउ इफ आई एज्यूम फ्रॉम माई प्रोबेबल टॉप, जो मेरा प्रोबेबल टॉप है 13455 से, इसको कहीं ना कहीं करेक्शन भी देना पड़ेगा, तो अगर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर 23.6% का करेक्शन देता है फ्रॉम माई एज्यूम टॉप ऑफ 13455, यानी कि
जो राइज हो जाएगी उस समय 5,944 पॉइंट की हो जाएगी। अभी तक ऑलरेडी ये 5,769 पॉइंट्स बढ़ा, लेकिन अगर मैं टॉप मानता हूँ 13,455 को, तो ये राइज आपकी 5,944 पॉइंट की होगी। तो उसको एटलीस्ट अगर 23.6% निकालना है आपको 5,944 का, तो वो आएगा 5,944 का आप 23.6% निकालोगे, जो कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिगर होता है, तो वो 1403 आता है दोस्तों। तो अगर मैं 13,455 से 1403 को माइनस करूं, तो मेरा प्रोबेबल लो बनता है नियर टर्म में 12,052 का। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि ये 38.2% गिरे फ्रॉम द टोटल राइज, टोटल राइज कितने पॉइंट्स की है, 5,944 पॉइंट्स की, क्योंकि हम एज्यूम करके क्या चल रहे हैं, 13,455 का टॉप। तो अगर उसकी टोटल राइज का 38.2% रिट्रेस करता है, तो इसको 2,270 पॉइंट गिरना पड़ेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ 13,455, जो हमारा एज्यूम टॉप है। तो ये कहीं ना कहीं 11,185 आ सकता है। और अगर तीसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, गोल्डन रेशियो माना जाता है, 61.8% ऑफ 5,944, तो ये होता है 3,673 पॉइंट का करेक्शन आना पड़ेगा, जो कि इसको ला के खड़ा कर देगा 9,782 पे। ये मेरे प्रोबेबल करेक्शन है आफ्टर निफ्टी रिचेस 13,455, जो कि अप्रोक्स हाई मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये पहला वाला फिगर तो शायद दिसंबर में ही आपको दिखा दे, ठीक है, 24 दिसंबर तक ही दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों दिखा देगा। अब आ जाओ, कुछ हम पुरानी बात कर लेते हैं, क्योंकि 12 साल की आपको पता होता है एक साइकिल होती है, हर एक 12 साल को हम एक साइकिल मानते हैं, क्योंकि आप अगर वॉल क्लॉक को भी देखो तो उसमें 12 ही सुए होते हैं, 12 सुए ख़त्म होने के बाद फिर से घड़ी का एक राउंड चालू हो जाता है। तो 12 इज ए साइकिल पीरियड, ओके। तो 12 साल पहले 2008 में भी जनवरी में ही हमारा टॉप बना था, 10 जनवरी 2008 को हमारा टॉप बना था 6347 का। कितने का टॉप बना था, 6347, जनवरी 2008 में 10 तारीख को इसने टॉप बनाया था निफ्टी ने, उस समय का वो ऑल टाइम हाई था जो 6347, ये उस समय का ऑल टाइम हाई था 2008 के तक का, और वहाँ से इसने करेक्शन किया 4,095 पॉइंट का। 6347 का निफ्टी था 10 जनवरी 2008, वहाँ से फ्रॉम देयर इट करेक्टेड अराउंड 4,095 पॉइंट्स एंड इट मेड ए लो ऑफ 2,252 ऑन 27 अक्टूबर 2008। यानी कि अगर आप देखो तो लगभग 9 महीने में ही, जनवरी फरवरी तक एक महीना हो, 10 फरवरी 10 मार्च 10 अप्रैल 10 मई 10 जुलाई, लेस देन 9 मंथ्स में इसने 2,252 का लो बना दिया। और अगर इसको मैं परसेंटेज टर्म्स में गिनूं, तो ये 64.51% की फॉल थी, और ये हिस्ट्री में सबसे बड़ी फॉल थी तब तक की फॉल, ये सबसे बड़ी फॉल थी, और आज तक भी इतनी बड़ी फॉल इतने कम पीरियड में कभी भी नहीं आई, आज तक टिल डेट 64.51 फॉल कभी भी नहीं आई इतनी बड़ी। राइज ज़रूर आई है, 64.5% का फॉल कभी भी विद इन ए फाइनेंशियल ईयर नहीं आई है, ठीक है, या विद इन ए कैलेंडर ईयर कभी भी नहीं आई है, ये विद इन ए कैलेंडर ईयर लेस देन 9 मंथ्स में 64.51%। उस समय लेमन ब्रदर्स का भी लफड़ा आया था बहुत, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बट फ्रॉम 2,252, लेकिन जब 2,252 का इसने लो बनाया 27 अक्टूबर 2008 को, वहाँ से इसने लेस देन 7 मंथ्स में, 7 महीने से कम पीरियड में इसने डबल बना दिया। 2,252 का डबल कितना होता है, 4,504, 2,252 को अगर आप डबल करो तो होता है 4,504, और इसने 4,509 का हाई बना दिया 19/5/2009 में,
मतलब लेस देन 7 मंथ्स में इससे डबल हो गया निफ्टी, जो इसने बॉटम बनाया था 2008। तो चलिए इसको भी हम लोग चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने आ गया, ये देखिए आपके सामने ऊपर आपको दिखेगा हाई, जो मैं बोल रहा था 6347 का हाई है, ये था 10 जनवरी 2008 में। और ये जो रेड बॉक्स बनाया मैंने, ये इसकी गिरावट का बॉक्स आपके सामने है, ये इस तरह से गिरा था 2008 में, कंटिन्यू गिरते गया गिरते गया, किसी को सांस लेने नहीं दिया था उस समय। मैं भी था, एक्टिव था उस समय, आई वॉज एक्टिव ट्रेडर, मेरी हालत पतली से भी पतली हो गई थी, क्योंकि हमको लगा अब और कितना गिरेगा, अब और कितना गिरेगा, लेकिन ये यहाँ लाके माना अपने आप को 2252 पे, आप देख सकते हो दिस वॉज द फॉल इन 2018, इस तरह से ये गिरा था, यहाँ से गिरावट चालू किया और गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया, हर महीने गिर रहा था। और 27 अक्टूबर 2008 में इसने एक बॉटम बनाया जो कि 2252 का था। उसके बाद इसको इससे डबल होने में सिर्फ 7 महीने से भी कम पीरियड लगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 2252 का लो है, और ये जो मैंने सॉरी अब ये ग्रीन कलर का जो मैंने बॉक्स बनाया वो आपको दिख रहा है, यहाँ से इसने फिर से राइज चालू किया, और आप देख सकते हो यहाँ कहीं जाके ये इस जगह आप देख सकते हो, ये तारीख थी 19/5/2009, इसने डबल बना दिया 4509 का फिगर। हालांकि इसको अपने जो पुराना ऑल टाइम हाई था जनवरी में जो इसने हाई बनाया था उसमें पहुंचने के लिए इसको 2 साल लगे, जो 6357 था 6347 वहां पहुंचने के लिए इसको ज़रूर 2 साल लगे, क्योंकि लेकिन डबल अपने जो बॉटम से डबल पहुंचने के लिए इसको लेस देन 7 मंथ्स लिया इसने। तो क्या निफ्टी कहीं 7511 का डबल तो नहीं बनाने वाला है? लेकिन हमारा पीरियड ऑलरेडी 9 महीने का हो चुका है, जबकि इसने जब डबल बनाया था तो लेस देन 7 मंथ्स। अब इसको मैंने क्यों दिखा रहा हूँ, इससे कुछ मैं आपको आइडेंटिकल चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे फॉल थी वो 9 महीने की थी, इस 2008 में जो 64% की फॉल थी उसमें 9 महीने लगे। 9 महीने कैसे लगे? क्योंकि 10 जनवरी 2008 को हाई था 6347 और 27 अक्टूबर 2008 को लो बनाया 2252। तो ये 9 महीने तक एक डाउनफॉल चला 2008 में, 9 महीने तक, लगभग 9 महीने तक, ठीक है, 9 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये आपका डाउनफॉल चला जो कि 9 महीने तक और 64% से ज़्यादा गिरावट आई। इसी तरह से अगर हम अभी के करंट ईयर पर जाते हैं, करंट पर जाते हैं, तो आप देख सकते हो करंट वाला में जो है हमको अभी तक जो राइज चल रही है, राइज पिछली बार में हम फॉल देख रहे थे उसको 9 महीने लगे, तो राइज भी हमारी 24 मार्च से हमने बढ़ना स्टार्ट किया, 24 मार्च से जो हमने स्टार्ट किया अभी दिसंबर आ गया है, आपके सामने 9 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, 24 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमने ऑलरेडी 76% से ज़्यादा राइज कर लिया है, 76.87%, जो कि बहुत बड़ी राइज होती है, क्योंकि उसने 9 महीने में जो फॉल दिया था 2008 में वो दिया था 64.9% का, जो कि एक तरह से आप बोल सकते हो स्लो पॉइजन की तरह फॉल दिया। इस बार जो राइज हुआ है वो स्लो पॉइजन की तरह राइज हुआ है। तो ये आइडेंटिटी मिलाने के लिए मैं आपको 2008 का चार्ट दिखा रहा हूँ। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक टॉप बन जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 4 से 5 ट्रेडिंग डेज में एक टॉप बनने वाला निफ्टी में, और वहाँ से एक 23.6% की गिरावट
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टॉप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 13455 के अराउंड, और वहाँ से मैं 23.6% का करेक्शन अगर गिनता हूँ, क्योंकि टोटल राइज उसके हिसाब से 5944 पॉइंट्स की हो जाएगी अगर मेरा जो टॉप एक्सपेक्टेड टॉप है वही निफ्टी अगर टॉप बनाता है तो। ठीक है, तो फिर मिनिमम करेक्शन 23.6% का गिनता हूँ मैं, जो कि इसको निफ्टी को ला के खड़ा कर देगा 12050 के करीब। और अगर ये 38.2% गिरता है ऑफ द टोटल राइज ऑफ 5944 पॉइंट्स, तो ये 11185 भी आ सकता है। तो ये दिखाने का कारण यही था। फिर से मैं उसी पे चल जाता हूँ, तो ये आपने देख लिया। अब आ जाइए थोड़ा डाउ जोन्स की भी बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स के बारे में मैं चार्ट नहीं दिखाऊंगा आपको, मैंने यहाँ पे स्टोरी लिख दी है। डाउ जोन्स का जो ऑल टाइम हाई था वो 12 फरवरी 2020 का था, पहले वाला जो ऑल टाइम हाई था, दैट वाज 29,568 पॉइंट्स, 29,568 वो डाउ जोन्स का 12 फरवरी 2020 का हाई था, 12 फरवरी 2020 का। वहाँ से डाउ जोन्स 23 मार्च तक, इन लेस देन 1.5 मंथ्स, डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई से लो पे 11,355 पॉइंट्स का करेक्शन किया इन लेस देन 1.5 मंथ्स। हमारी निफ्टी से भी बहुत फास्ट करेक्शन किया इसने। हमारी निफ्टी ने 20 जनवरी को हाई बनाया था टॉप 12,430 का, और उसने 24 मार्च को बॉटम बनाया था, तो हमको 2 महीने से ज़्यादा लगा बॉटम पे आने के लिए। लेकिन डाउ जोन्स को लेस देन 1.5 मंथ लगा अपने बॉटम पे आने के लिए, जो कि बॉटम बना था 18,213 23 मार्च 2020, यानी कि हमसे एक दिन पहले डाउ जोन्स ने बॉटम बनाया। हमने 24 मार्च को बॉटम बनाया, इसने 23 मार्च को बॉटम बनाया। हमारी गिरावट 20 जनवरी से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि टॉप हमारा बन चुका था, और इसकी गिरावट 12 फरवरी से स्टार्ट, लेकिन बॉटम हमने दोनों ने साथ साथ में बनाया, बल्कि हमसे एक दिन पहले इसने बनाया। इनकी फॉल थी 11,355 पॉइंट की, जो कि अगर हम परसेंटेज में गिने तो लगभग हमारे बराबर फॉल हुई, क्योंकि इन्होंने 38.4% का फॉल किया, 38.4, और हमारा था 39 पॉइंट, कितना था हमारा 39.57% हमारा फॉल था, तो लगभग बराबर फॉल किया, बल्कि हमारे इंडेक्स ने 1 से 1.5% ज़्यादा ही फॉल किया, 1 से 1% ज़्यादा ही फॉल किया हमारे निफ्टी ने डाउ जोन्स। अब 4 दिसंबर को डाउ जोन्स ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, जो कि 30,218 का है। कितने का हाई है? 30,218 का नया ऑल टाइम हाई डाउ जोन्स ने बनाया है, अमेरिका के डाउ जोन्स ने। और उसने ये हाई बनाने के लिए 12,005 पॉइंट की बढ़त हासिल की है फ्रॉम द लोज ऑफ मार्च। मार्च का लो था इसका 18,213 का, वहाँ से 12,005 पॉइंट बढ़ चुका है डाउ जोन्स, 12,005 पॉइंट्स, 12,005 पॉइंट्स। और अगर इसको परसेंटेज में हम गिने तो ये 65.91% बढ़ा है। डाउ जोन्स कितना बढ़ा परसेंटेज में? 65.91, लेकिन हमारा इंडेक्स कितना बढ़ गया भाई साहब? 76.81%। तो हम लोग तो डाउ जोन्स को सरपास कर दिए हैं, क्योंकि डाउ जोन्स गिरते वक्त हमसे 1% कम गिरा था, सिर्फ 1%, क्योंकि डाउ जोन्स गिरावट किया था 38.4% और हमने गिरावट किया था 39.57%, लेकिन डाउ जोन्स अभी तक बढ़ पाया है 65.91% फ्रॉम द बॉटम, लेकिन हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं 76.81% फ्रॉम द बॉटम। तो हम लोग हर महीने में डाउ जोन्स को सरपास कर रहे हैं, यानी कि हमारी रैली बहुत जल्दी करेक्शन देने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है 2-2.5% जो मैं बोल रहा हूँ, 79.14% अप्रोक्स, जो कि 13,455 तक चले जाए, नो डाउट, लेकिन अब गिरना तय है ऐसा लगता है।
अब इंडिया विक्स जो है हमारा, इंडिया का विक्स है वो कंफर्टेबली आज की डेट में 18.3 पे प्लेस्ड है। लेकिन आपको पता है ये मार्च में कहाँ तक चला गया था? मार्च में वो विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। फियर इंडेक्स क्यों बोलते हैं? जब जब फियर मार्केट में बढ़ता है तब तक विक्स की वैल्यू बढ़ती है। जब जब फियर बढ़ता है, डर बढ़ता है। डर कब बढ़ता है? जैसे मार्च की फॉल आई तब फियर अपने चरम पे था, फियर जो था, डर जो भय था वो अपने चरम पे था, इसीलिए ये फियर इंडेक्स उस समय 86 भी चला गया था। वो आपको मैं चार्ट के थ्रू दिखा देता हूँ। यहाँ पे विक्स का चार्ट सेव है क्या? हाँ सेव है। तो ये विक्स का चार्ट है हमारा, आप देख सकते हो आपके सामने, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मार्च में कहाँ तक चला गया था? 86.63 तक चला गया था। और आज की डेट में ये कहाँ पे है? आज की डेट में ये यहाँ पे 18.03 कंफर्टेबल है। लेकिन ये जब जब भी 24 को पार करेगा आप समझ लेना मंदी बहुत स्पीड से आने लग जाएगी। 24 को जैसे ही पार करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन ये कंसोलिडेट कर चुका है इस रेंज में। ये 17 से 24 का रेंज है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गया फियर इंडेक्स को कंसोलिडेट करते हुए। अब जब ब्रेकआउट आएगा तो बहुत तेज़ी से ये मुझे लगता है एक बार 40 या 45 तक पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इंडिया विक्स भी आपको मैंने दिखा दिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है WTI क्रूड ऑयल। WTI क्रूड ऑयल जो डॉलर टर्म्स में है आज की डेट में $46.09 है कल तक की क्लोजिंग, 46.09, ठीक है, पर बैरल। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये $65 को बहुत जल्दी पार करने वाला है, $65 को बहुत जल्दी पार करने वाला है। मुझे लगता है 15 से 20 दिन या 25 ट्रेडिंग डेज में ये $65 पहुंचने की ताकत रखते हैं। यहाँ से 25 से 30 ट्रेडिंग डेज में, ऐसा मेरा मानना है। ट्रेडिंग डेज उसमें मैं हॉलीडेज नहीं गिनता हूँ, ट्रेडिंग डेज मतलब जिस दिन मार्केट ओपन रहता है। तो 25 से 30 ट्रेडिंग डेज में मुझे ऐसा लगता है ये $65 जाने वाला है। क्यों लगता है मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। अभी करंटली कहाँ पे खड़ा है? $46.09 पे क्रूड ऑयल। और आपको पता है इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट क्या करता है? क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को। तो अगर ये WTI बढ़ेगा तो ब्रेंट का भी दाम बढ़ेगा। ब्रेंट, हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा निश्चित। तो चलिए पहले ब्रेंट का चार्ट देख लेते हैं, सॉरी WTI का चार्ट देख लेते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ $65 जा सकता है? ये WTI का चार्ट आपके सामने क्रूड ऑयल का, ये कल की क्लोजिंग मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं। 46.26 कल की क्लोजिंग है, मैंने 46.09 लिख दिया बाय मिस्टेक, 46.26, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे। आप देखो यहाँ पे काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया, ये जो जोन है, ये जो चैनल बनाया मैंने यहाँ से यहाँ तक का पैरेलल चैनल है, इसमें आप देखो इस चैनल में इसने काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन किया है काफ़ी दिन इस पीरियड। लेकिन अब ये इसको ब्रेकआउट किया है और इतना ही बढ़त ये ऊपर तक कर सकता है। तो ये जो चैनल का लोअर एंड है वह 19.63 और ऊपर वाला है 43.61, तो लगभग ये 22 पॉइंट का चैनल है। ऊपर भी ये अगर 22 पॉइंट बढ़ता है $22 पर बैरल तो ये 65 आराम से पहुंच जाएगा, 65 बहुत आराम से पहुंच जाएगा। और ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अगर किसी भाई को लेना है क्रूड ऑयल तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस डॉलर टर्म्स में बताता हूँ, आप 43 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, 43 का क्लोजिंग बेसिस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल लीजिए, $43 पर बैरल का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के क्रूड ऑयल को आप बाई कर सकते हो। और मेरा मानना है 20 से
30 ट्रेडिंग डेज में आपको $65 पर बैरल क्रूड ऑयल डेफिनेटली देखने मिलना चाहिए, 30 ट्रेडिंग डेज में, 30 ट्रेडिंग डेज में। आप स्टॉप लॉस क्या डालोगे, कल की क्लोजिंग क्या है 46.26 और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा $43 पर बैरल क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे नहीं, क्लोज अगर उसके नीचे होता है तो आप स्टॉप लॉस मार लीजिए, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा आशा है कि क्रूड ऑयल में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए क्रूड ऑयल रखना चाहते हो तो मेरा टारगेट आ रहा है अभी $120 का, जो कि आपको मजाक लगेगा, लेकिन आप इसको देखो, इसने एक माइनस का भी फिगर बनाया था, -$40.32 का लो था, -42 माइनस में चला गया था क्रूड। तो वहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, ये ऊपर एक जैसे हाई है, कई बार एक जैसे हाई है और ब्रेकआउट आ चुका है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म रखना है तो मेरा टारगेट इसका $120 का आ रहा है। क्यों आ रहा है $120? यहाँ से भी ये $80 बढ़ने की ताकत रखता है, क्योंकि यहाँ से नीचे का जो फिगर है वो $80 का है, क्योंकि -40 तक चला गया था। दैट्स इट, तो अब क्रूड ऑयल का भी काम खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या डिस्कस करना है, USD INR जो कि अभी चल रहा है 73.75 अभी $1 की वैल्यू है रुपी टर्म्स में, 73.75 $1 की वैल्यू है। मगर ये अगर ये क्रॉस कर पाया 74.63 को, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी क्रॉस करेगा, मैं आपको अभी वो भी चार्ट में दिखाऊंगा, तो ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से 76.50 चला जाएगा, जो कि मैं अभी आपको चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब फैक्टर मुझे दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मंदी के लिए तैयार है। अब आप देख लो, ये आपका USD INR कल की क्लोजिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, 73.75 की है, लेकिन जैसे ही ये इस लेवल को पार करेगा 74.60, ठीक है, तो ये आसानी से 76.50 पहुँच जाएगा। कैसे पहुँच जाएगा, मैंने ऑलरेडी एक ड्रॉ करके रखा था, कहाँ चला गया यार, कोई दूसरा चार्ट तो नहीं है, हाँ ये सॉरी इसमें क्लियर कट दिख रहा है, स्टडी कई की हुई है ना यार, एक काम को तो इसको डिलीट कर देता हूँ बेकार है, ठीक है, क्योंकि इसका चार्ट मैंने चार्ट बनाया आपके सामने, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से आप देखो हायर लो बना रहा है, ये लो आप देख सकते हो, ये लो था इसका 72.75, ये लो बनाया था इसने 1/9/2020 में, 1 सितंबर को इसने लो बनाया था 72.75 का, उसके बाद ये ऊपर तक गया था 73.63, वापस जब नया लो बनाया इसने वो पिछले वाले लो से ऊपर बनाया, 73.18 का लो बनाया, जबकि ये था 72.75, तो हायर लो हो गया, और जब दूसरी बार हाई बनाया तो वो हायर हाई बनाया इसने, इस बार हाई कितना बना दिया 75 का, ये बना 4 नवंबर को। उसके बाद अब एक और हायर लो बनाया इस, ये हायर लो क्या है इसका 73.40, तो आप देख सकते हो यहाँ ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, हायर लो बना रहा है, फिर से हायर लो बना रहा है, तो अब अगर ये हायर हाई बनाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इसको क्रॉस करेगा जब 74.60 को, तो यहाँ इसको एक ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि आप ये ट्रेंड लाइन को देखो, ये ब्रेकआउट बता रही है, यहाँ से फॉल हुआ था USD INR 77.01 का टॉप था, 77.01 का टॉप था 22 अप्रैल 2020 को 77.01, वहाँ से अब ट्रेंड लाइन को मैंने ईस्ट से टच करके ड्रॉ किया, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं जिस दिन ये 74.60 को क्रॉस करेगा ये बहुत आसानी से 76.50 पहुँच सकता है, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके बनाया, जिसको विश्वास हो विश्वास करना, जिसको नहीं हो अपनी मर्जी से यूज़ करना, ठीक है।
अब आ जाइए इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, इसके बाद वाला पॉइंट है निफ्टी पीसीआर इज एट 1.57। निफ्टी पीसीआर 1.57, इसको मैं ओवरबॉट नहीं मानूंगा, क्योंकि ओवरबॉट मेरे हिसाब से पीसीआर जब 1.70 से 1.80 तक जाता है, तो अभी इसमें थोड़ी सी जगह बढ़ने की, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, निफ्टी एक बार 13455 तक जा सकता है। ठीक है, पी रेशियो हमारा निफ्टी का काफ़ी बढ़ चुका है। ये अपने शुक्रवार को जो क्लोजिंग आई थी 4 तारीख को, वो आई थी 36.42 की, जो कि अभी तक के पूरे इतिहास में सबसे बड़ी पी रेशियो की क्लोजिंग है निफ्टी की, हाईएस्ट एवर सो फार। और तो ये अपने आप को दर्शाता है कि सूनर और लेटर एक ह्यूज करेक्शन इज ऑन द कार्ड्स, बहुत जल्दी या थोड़े दिनों बाद एक बड़ा करेक्शन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है एज पर पी रेशियो। अगर आप पी रेशियो को निग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है इस पी रेशियो को मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अलर्ट हमेशा रहना जरूरी है। निफ्टी का पी रेशियो तो आपको पता ही होगा, कहाँ देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी का पी रेशियो आपको देखने के लिए एनएसई की पुरानी साइट को खोल के आप प्रोडक्ट्स, कंटेंट, इक्विटीज, इंडिसेस ऐसे जा सकते हो, या गूगल में सीधा निफ्टी पी रेशियो लिखिए, एनएसई की वेबसाइट को खोल लीजिए, तो आप पिछले 3 दिनों का पी रेशियो देखिए, 4 दिनों का बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मैं आपको नवंबर से दिखा देता हूँ, अच्छा रहेगा, नवंबर की 1 तारीख से, तो आपके लिए बहुत अच्छा से आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो 2 नवंबर को ये 31.43 था, 2 नवंबर को, वो भी मेरे ख्याल में बहुत ओवरबॉट था, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, 36.46 है, मैं 42 लिखा हूँ वहाँ पर, 36.46 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर 4 दिसंबर। अब आ जाइए एक चार्ट और दिखाता हूँ मैं आपको, जो मुझे क्या बता रहा है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, निफ्टी का मंथली चार्ट है, इसमें मैंने 2008 का जो टॉप था 6357 उसको लिया है, और 2008 का जो बॉटम था 2252 दोनों को लिया है। यहाँ से मैंने इसको टच किया है यहाँ पे, जो कि आपका 2018 का हाई था 11760 का, ठीक है, वहाँ पे मैंने टच किया। आगे जाके देखो, निफ्टी ने एक ब्रेकआउट कैंडल अभी दिसंबर में मार दिया, लेकिन अभी दिसंबर ख़त्म नहीं हुआ है, ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं ये मालूम नहीं है, क्योंकि 2008 से पूरा निफ्टी इसी चैनल में चल रहा है। आप देख सकते हो 2008 से ये जो चैनल बनाया मैंने, ये इस रेड को और इस रेड को देखो, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड, आपको ध्यान नहीं भटके, आपका इसका कलर मैं कुछ अलग कर देता हूँ, ब्राउन कर देता हूँ, ब्राउन भी थोड़ा आइडेंटिकल लग रहा है, मैं इसका ब्लू ही कर देता हूँ, ब्लू कलर का। ठीक है, अब आप दोनों रेड लाइन को, चैनल को देखो, दो रेड लाइन जो है वो चैनल है, निफ्टी 2008 से कंटिन्यू इसी चैनल में है, और एक बार मार्च में इसने इस चैनल को ब्रेक किया था, मार्च में जब हमने 7511 का बॉटम बनाया था, लेकिन एक महीने इसने क्लोज किया था मार्च में, लेकिन अप्रैल में वापस इसके अंदर घुस गया। वैसे ही अब नवंबर में देखिए, इसने हल्का सा क्रॉस किया, क्लोज नहीं किया, हल्का सा वीक ने क्रॉस किया, लेकिन इसकी बॉडी ने क्रॉस नहीं किया, कब, नवंबर में, लेकिन दिसंबर में अभी इसकी बॉडी भी ऊपर ही बनी हुई है। तो अब दिसंबर में क्लोजिंग देखना आसान रहेगा, क्योंकि अभी महीना तो ख़त्म नहीं हुआ, दिसंबर का महीना ख़त्म होगा 31 तारीख को, तो हो सकता है ये अंदर आ जाए, अंदर भी इतना आ जाए कि ये 12,000 पे आ जाए, हु नोस, और हो सकता है ये 11,100 पे भी आ जाए दिसंबर में, Who knows? और
अब मैं आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसी चार्ट पर दिखाना चाहता हूँ। इस चार्ट का कुछ फंक्शन है जो मैं दिखाता हूँ। देखिए ये ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस ग्रीन लाइन को मैंने इस टॉप से ज्वाइन किया, इस टॉप से। तो ये अपने आप में ग्रीन लाइन मुझे सिग्नल दे रही थी कि ये इस मार्च में 2020 में एक बार निफ्टी किसी भी कारण से 9000 का फिगर जरूर लाएगा। तो आप देखो यहाँ पे नीचे में मेरे डेट आ रही है मार्च, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको नीचे मार्च, मार्च का महीना 2 तारीख से स्टार्ट हुआ आपको याद होगा, तो 2 मार्च 2020। तो ये मार्च के मंथली कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया था, इस ट्रेंड लाइन को रेड कलर को नीचे, लेकिन ये मार्च में ही क्लोज किया था इस ट्रेंड लाइन के नीचे, अप्रैल में फिर से अंदर घुसने में कामयाब हो गया। तो दो क्लोजिंग कभी भी नहीं आई इस ट्रेंड लाइन को के नीचे, अभी तक दो क्लोजिंग नहीं आई, न ही इसके ऊपर दो क्लोजिंग आई है। तो ये मुझे लगता है दिसंबर महीने में वापस अंदर घुस जाएगा, और एक्चुअली नवंबर में भी इसने क्रॉस नहीं किया क्योंकि बॉडी इसकी बिल्कुल भी नहीं निकली इसके बाहर, बॉडी इसके अंदर ही, आप चेक कर सकते हो। तो इसका बॉटम कब आएगा, जैसे आप देख सकते हो इस मार्च में इसने कंफर्म यहाँ पे ये लाइन इस रेड लाइन को टच कर दी है ग्रीन लाइन, तो यहीं पे देखे मार्च के कैंडल ने भी यहाँ आके दिखाया, जबकि यहाँ खड़े थे हम फरवरी में हम यहाँ खड़े थे 11207 पे लो था, मार्च में भी हमारा टॉप था 11433 का, वहाँ से हमको 7511 तक ला दिया इसने, क्योंकि उसको यहाँ आना था एक बार, इस पॉइंट को टच करना था। अब मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ किया हूँ ब्लू कलर के ऊपर, ठीक है। इस लाइन का बेस कहाँ से लिया हूँ मैं वो भी बताता हूँ। इस लाइन को मैंने इस टॉप से टच किया जो कि 2008 का है, ठीक है, 2008 का ये टॉप था ना 6357। अब ये लाइन मुझे क्या बोल रही है कि आने वाली जो मार्च है अभी 2020 की, सुन लीजिएगा आप, मानिएगा कुछ भी मत, खाली सुनिएगा, ये सब हाई लेवल की स्टडी है, रॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं आज मूड में हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मुझे क्या बोल रही है कि ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये बोल रही है, सॉरी ये ब्लू कलर की, कि आने वाली मार्च में निफ्टी एक बार किसी भी कारण से 9755 जरूर आना चाहिए, आने वाली मार्च यानी कि 2021 की मार्च जो आएगी उसमें निफ्टी एक बार 9800 का फिगर भी आ सकता है, 9800, यानी कि करेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है दिसंबर के इसी महीने से स्टार्ट हो जाए, जनवरी में फिर से बढ़त हासिल करे, फिर फरवरी मार्च में गिरे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये मुझे ये बता रहा है कि मार्च महीने में एक बार निफ्टी 9800 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइन इस चैनल की रेड लाइन को टच कर रही है। वैसे ही आप देखो यहाँ पे ये ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी वो इस चैनल की रेड लाइन को टच की थी, तो यहाँ मार्च में एक गिरावट आई थी, तो वापस ये चैनल को जब टच कर रही है तो ये महीना मार्च दिखा रहा है। नीचे आप देखोगे तो आपको मार्च दिखा देगा, मैं नीचे लाता हूँ और इस चैनल की लाइन को टच किए लाता हूँ तो आपको नीचे दिखेगा मार्च, आपको नीचे क्या दिख रही है, 1 मार्च 2021 दिख रही है, दिख रही है ब्लैक कलर में, वहाँ पे आप उसी की स्ट्रेट लाइन में आप, मैं आपको दिखाता हूँ चैनल को टच हुआ कि नहीं, उसी की स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हो ये इसको टच हुआ। तो ये पॉइंट इसको बोल रहा है कहीं ना कहीं 9755 निफ्टी आ सकता है मार्च में, उसके बाद कोई गिरावट नहीं लगती है मुझे, उसके बाद फिर से निफ्टी खींचेगा अपने आप को, फिर से कहीं ना कहीं 13700 तक जाएगा, ठीक है। ये मेरा कुछ असेसमेंट है, आपको अच्छा लगे तो लाइक्स 2000 से ज़्यादा दे दीजिएगा, तो पसंद आएगा मुझे, मैं ऐसी मेहनत और करूँगा, और अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक का बटन आपके लिए खुला है दोस्त। आई लव यू ऑल, दैट्स इट, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।